वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISCS ऑनलाइन। ISCS ऑनलाइन के रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर एक दिन की तरह आज भी हम आपके समक्ष 25 सवालों को लेकर उपस्थित हुए हैं। और दोस्तों, आज का जो 26वां क्वेश्चन होगा उसका जवाब आपको देना है, इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पिछले रैपिड फायर राउंड में जो सवाल आपसे पूछा गया था वो सवाल है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा या फिर रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट जमा हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं आज का रैपिड फायर राउंड। तो पहला सवाल है, उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है, उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली या फिर परफेक्ट कंपटीशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओलिगोपोली। दोस्तों, मोनोपोली में सिर्फ एक ही कंपनी यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सप्लायर होते हैं और मेनी बायर्स होते हैं। ओलिगोपोली में फ्यू बायर्स होते हैं, फ्यू सप्लायर्स होते हैं, मेनी बायर्स होते हैं। ड्यूओपोली में टू सप्लायर्स होते हैं, मेनी बायर्स होते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में मेनी सप्लायर्स और मेनी बायर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ओलिगोपोली के केस में कुछ ही सप्लायर्स होते हैं और मेनी बायर्स होते हैं। इससे क्या होता है कि सारे सप्लायर्स मिलके अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने में सक्षम होते हैं, यानी कि जबकि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइसिंग होती है वो प्राइसिंग एकदम मार्केट के हाथ में होता है, जहां पे कट थ्रोट कंपटीशन होता है। मोनोपोली में जो सिंगल सप्लायर होते हैं उसके हाथ में पूरा मार्केट को नियंत्रित करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ओलिगोपोली में जो ग्रुप ऑफ सप्लायर्स होते हैं वो मार्केट को नियंत्रित करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? युएनसांग, फाइयान, आईचिंग या फिर लीजुइंग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फाइयान। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला पास स्थित है? सिक्किम, असम, मेघालय या फिर उत्तराखंड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। दोस्तों, गोएचा ला पास सिक्किम में स्थित है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर, विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाओ वायडक्ट किस नदी पर निर्मित है? सीन, टार्न, डुरांस या फिर लॉयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टार्न। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? कंगारू, वेल, जिराफ या फिर रूस्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंगारू। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सेवन, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार मिट्टी यानी कि एल्यूवियल सॉइल,
काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉयल, या लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉयल, या फिर लैटेराइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों याद रखें, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये आंसर है ये, देखिए ये यहां पे आना चाहिए था, ये कछार मिट्टी यानी कि एलोवियल सॉयल। तो ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किसकी अधिकता है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कछार वाली मिट्टी, कछार मिट्टी जिसे कि जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ये मिट्टी पाई जाती है एलोवियल सॉयल, जो कि बहुत ही उत्पादक होती है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं, 1, 2, 4 या फिर 8 जोड़े। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4 जोड़े आंखें होती हैं मकड़ियों को। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफार खान, सी गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफार खान। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। ट्विटर किसने संस्थापित किया था, मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, नोआ आर्क या इवान विलियम्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इवान विलियम्स। दोस्तों ये जो मार्क जुकरबर्ग है, इन्होंने फेसबुक की स्थापना की थी, फेसबुक इन्होंने शुरू किया था, फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग और ये ट्विटर। दोस्तों नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन या फिर एवापोरेशन। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिपोजिशन। जबकि दोस्तों याद रहे कि जब ठोस यानी कि सॉलिड डायरेक्ट किस में चला जाए, गैस में चेंज होता है, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जब गैस किस में, ठोस यानी कि सॉलिड में चेंज हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट, इसे डिपोजिशन कहते हैं, जब गैस सॉलिड में चेंज हो जाए, और जब सॉलिड गैस में चेंज हो जाए तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी, चौहान, सिसोदिया, हांडा या फिर राठौर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, हेनरी फायोल, फ्रेडरिक टेलर, पेटर ड्रकर या फिर मैक्स वेबर। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक टेलर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। टैक्स की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, नकद आय, वेतन आय या फिर सामान्य आय। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है, दिलवाड़ा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर या फिर रानकपुर आदिनाथ मंदिर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा मंदिर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है,
तेमासेक, म्यांमार, सिलोन या फिर बोहेमिया। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए तेमासेक। दोस्तों तेमासेक आपको पता चल गया कि तेमासेक किसका पुराना नाम है, सिंगापुर का, जबकि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। और सिलोन किसका पुराना नाम था, श्रीलंका का। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। चाप का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फास्फाइड। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों याद करें, ये चौक जिससे हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चौक का कैल्शियम नाम, जो सॉरी रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन या फिर मार्केटाइजेशन। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मोनोपोली। दोस्तों मोनोपोली में सिर्फ सिंगल सप्लायर होता है। दोस्तों जब सिंगल सप्लायर यानी कि सिंगल सेलर कह सकते हैं, जब सिंगल सेलर होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, जब सिंगल सेलर होगा तो क्या होगा यहाँ पे, जब सिंगल सेलर होगा तो मोनो, इसमें कोई दूसरा इसके साथ स्पर्धा करता ही नहीं है। जबकि ओलिगोपोली में अब फ्यू सेलर्स होते हैं, अब फ्यू सेलर्स होते हैं, जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मेनी सेलर्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मोनोपोली में जब सिंगल सेलर होगा तो यानी कि इसके साथ स्पर्धा करने के लिए कोई नहीं होगा। ओलिगोपोली में बहुत कम होते हैं, फ्यू सप्लायर्स या सेलर्स होते हैं, यानी कि इनमें स्पर्धा होती है लेकिन बहुत ज्यादा स्पर्धा नहीं होती है। जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पर्धा होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन कहते हैं। तो ये कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन कहां होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है दोस्तों। जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा तो कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन, और इसी में प्राइस वॉर भी होता है, ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है, अपराध की दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा, मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा या फिर धार्मिक आधार पर कर निषेध। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी, जाफना, पुलोन्नारुवा, अनुराधापुरा या फिर कैंडी। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अनुराधापुरा। तो श्रीलंकन राष्ट्र की सबसे पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश के द्वारा बनाया गया था, हेनरी फोर्ड, कार्ल लेंच, यूज चैम्बलर या फिर हॉरेक एल्गिन डॉज। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कार्ल लेंच। दोस्तों कार की पेट्रोल से चलने वाली इंजन का निर्माण किसने किया था, कार्ल लेंच ने किया था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। हवा एक डैश है, शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है या फिर दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी
तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। दोस्तों याद रहे, हवा में तत्व जो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं और कुछ तत्व मिलके यौगिक भी बनाते हैं। तो हवा क्या है? तत्वों का और यौगिकों का मिश्रण है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है गंगा, भागीरथी, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यमुना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। महाभारत युद्ध 10 दिनों तक चला था, 17, 18, 19 या फिर 21 दिन। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 18 दिन। यानी कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। Now look at question number 25, the last question of today's rapid fire round. दोस्तों last question is, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों या फिर चुनाव, पंचायत चुनाव। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पंचायत चुनाव। दोस्तों तो पंचायत चुनाव का जो प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है, ना कि चुनाव आयोग की। दोस्तों इस तरह आज हमारा रैपिड फायर राउंड समाप्त होता है। समाप्त होने से पहले हम आपको रोज की तरह एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी यदि आपको देनी हो तो आप अवश्य शेयर करें हमारे कमेंट बॉक्स में, ये सबके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल, जो जिसका जवाब आपको देना है। दोस्तों सवाल है, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? वी जी धामले, वी शांताराम, विमल राय या फिर दादा साहब फाल्के। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आज का रैपिड फायर राउंड यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारा रैपिड फायर राउंड अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कर ले। दोस्तों अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर के हो या फिर सीजीएल के जो एग्जामिनेशन जारी हैं, जो चल रहे हैं, उनमें हमारे जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस से सवाल जरूर पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हम रोज आपके लिए एक नया वीडियो सामान्य अध्ययन का लेकर जरूर आएंगे, ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। आप हमारा वीडियो देखते रहें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स अ लॉट।